عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن يزيد بن عبد الله القصري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قلت بلى قال فأحب للناس ما تحب لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مصري أحمد بن حنبل بهكي الطبراني وأبو يعلى وحاكم مباركي حديث جو بسنة الصحيح منقول ہے جس کو حضرت يزيد بن عبد الله القصري رضي الله تعالى عنه روایت کرتے कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास से मैं आया और आप इस सोहबत में और आपके मजलिस में बैठा हुआ था तो आपने हमसे सवाल किया कि ऐ नबी अतुहिब्बुल जन्नत क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो जन्नत चाहते हो मैं कहा भला या रसूलल्लाह कलमा पढ़ने का मकसद हिजरत का जिहाद का वतन और जायदाद सारी चीजों के छोड़ने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला राजी हो और अल्लाह हमें जन्नत अता करे बिल्कुल जन्नत चाहते हैं जन्नत ही की लालच में सब कुछ हमने किया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो फाशिक परिन्ना से मां तुशिक को लेना सीख ये आपने जन्नत में दाखिल होने का जरिया और बेहतरीन नुस्खा तजवीज किया या यजीद अतुहिब्बुल जन्ना क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो मैंने कहा बला आपने फरमाया अगर तुम जन्नत चाहते हो तो फाहिब्बलिन्नासि मा तुहिब्बुलिनफ्सि आपने फरमाया अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो लोगों के लिए वही चीजें पसंद करो जो तुम अपने लिए रोजे नमाज हज ज़कात फ़राइज़ तो इंसान को करना ही करना है रोजे नमाज ज़कात हज इन तमाम चीजों को तो करना ही करना है तो अरकान और फराइज हैं हर इंसान के नजदीक इनकी अहमियत होती है और अगर कोई आदमी अरकान और इन फराइज की पाबंदी नहीं करता तो बहुत सारे लोगों की निगाह में गिरा हुआ इंसान होता है ऐब उसके अंदर पाया जाता है क्यों ये फराइज हैं इनकी अहमियत इनकी जरूरत और इनकी पाबंदी हर एक को मालूम है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की रजा खुशनूदी हासिल करने
जन्नत में दाखिल होने के लिए भी, जन्नत में दाखिल होने के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनका शुमार अल्लाह ताला ने या नबी ने सासन फराइज और अरकान में नहीं किया। उनका तस्करा फराइज और अरकान में नहीं किया, हालांकि वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बसा अवकात वो चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि पूरे इस्लामी मुआशरे की बुनियाद और रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती है, लेकिन उनका शुमार फराइज और अरकान में नहीं, क्योंकि फराइज और अरकान में उनका शुमार नहीं था। लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, लापरवाही करते हैं, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको बड़ी ताकीद के साथ बयान किया है ताकि लोग मुतवज्जे हों और लोगों को इन चीजों की अहमियत मालूम हो जाए। उन्हीं चीजों में से जिनकी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिलाई है और बड़ी ताकीद किया है, फरमाया है, और जिस पर इस्लामी मुआशरे का ढांचा और जिस पर उसकी बुनियाद है, इस हदीस के अंदर बयान किया है, वो ये है कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए पसंद होना चाहिए। सवाल देखें, या यजीद इब्न अब्दुल्ला अतुहिब्बुल जन्ना, कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए, तुम हिजरत करके आ गए और बड़े जिहाद में भी इतना फरीदा और अदा किया तूने, इन तमाम नेकियों के साथ साथ अब तो बताओ जन्नत में जाना चाहते हो? बला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया फाहिब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अभी तक जितनी नेकियां कर रहे थे वो नेकियां जन्नत में दाखिल होने के लिए काफी नहीं है। और कितनी अहमियत इसकी, आप उस इंसान को ये दर्श दे रहे हैं और ये दावत दे रहे हैं और समझा रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं, जो मुसलमान हुआ, हिजरत किया, जिहाद करता रहा, आपकी सोहबत में है, फराइज और वाजिबात की मुकम्मल पाबंदी वो करता है, लेकिन इसके बावजूद आपने इस हदीस के जरिए उनको आगाह किया कि जन्नत में दाखिल होने के लिए यही चीजें काफी नहीं, उस